हजारों लाखों भक्त YouTube थॉट योगा के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और थॉट योगा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आपके जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, धर्म का प्रचार प्रचार करने वाले, सनातन धर्म की विजय पताका को लहराने वाले ऐसे योगीराज कभी कभी धरा पर आकर हम संसारियों को जगाते हैं। कृष्णगिरी धाम में शक्तिपीठ में तपस्या करके आराधना करके माँ पद्मावती को प्रसन्न किया, फिर जो है विध्वंसर की गोद में जाकर भैरव देव को आराधना की और काशी विश्वनाथ की इस धरती पर जो है सात सात वर्षों तक शमशान की भूमि में रहकर परम पूज्य गुरुदेव ने भैरव देव को प्रसन्न किया और आज भैरव सिद्ध साधक योगी राज के रूप में। और कल आपने देखा, कल गुरुदेव के साथ में एक संत आए हुए थे और उन संत ने, गुरुदेव ने संत आए तो सम्मान किया संकेश भाई के माध्यम से, रितेश जी भाई साहब के माध्यम से, तो गुरुदेव ने उनका अभिवादन किया तो उन्होंने एक बात कही कि गुरुदेव आपने इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत अभिनंदन है, लेकिन वह जो देख रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव उसी व्यक्ति का सम्मान करते जो साधना के उच्च शिखर पे हो, क्योंकि गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी है, एक पल में है, हर किसी का जीवन देखने का जो है एक सामर्थ्य रखते हैं, तभी तो हम हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गुरु चरणों में आकर अपने जीवन को धन्य कर देते हैं। और गुरुदेव ने एक ही पल में उनका जीवन देख लिया और गुरुदेव ने उनको जो है आसन दिया, तो उन्होंने क्या कहा आपने गौर किया होगा, उन्होंने सहजता के रूप में कहा कि मैं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप देख रहा हूं। आप तो गुरुदेव ये कह रहे थे, गुरुदेव ने एक बंगले का उदाहरण दिया कि हम तो दो दिन ठहरने वाले इस काशी में, इस बंगले में, लेकिन आप तो निरंतर रूप से रह रहे हैं, आप तो यहां बंगले के मालिक हैं, तो उन्होंने साक्षात ये बात कह के चरितार्थ कर दिया कि आप तो स्वयं कैलाश के वासी हैं, इससे बढ़कर तो जो है संत क्या इशारा कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव साक्षात शिव स्वरूप योगीराज के हम दर्शन कर रहे हैं और हम सभी धन्य हो रहे हैं। इसलिए संतों के समक्ष आते हैं तो गुरुदेव कहते हैं ना कि बिन मांगे सब मिलता है, रोने से कुछ नहीं मिलता है, और दुनिया में ऐसे संत एकमात्र राज संत यदि करिए डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा ही है जो हमें मुस्कुराने की सलाह देते हैं, हंसने की बात करते हैं, और दुखों को रोना नहीं है, दुखों को भगाना है तो उसको याद भी मत करो। और संतों के समक्ष आकर मर्यादा और अनुशासन में कैसे रहना है, यहां आ जाओगे तो सीख जाओगे, क्योंकि करना न लब कुशाई संतों के सामने, कभी भी ज्यादा बात संतों के सामने नहीं करना। संत एक ही परिभाषा में आपके ऊपर दृष्टिपात करते ही समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या है, इसके जीवन में क्या है, और ये तो त्रिकालदर्शी स्वयं शिव स्वरूप योगी राज बैठे हैं, इनको बताने की भी जरूरत नहीं है। कल आपने देखा है और महसूस किया कि किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनके घर में अपने आप दीपक जल जाते हैं। ये दीप वही जलता है जहां साक्षात परमात्मा का वास होता है। ये गुरुदेव का सामर्थ्य और शक्ति जब पहुंचती है, जब आपके मन में दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है, और जब दृढ़ विश्वास है तो शिव स्वरूप योगीराज यहां से ही काशी विश्वनाथ का संदेश भेज देते हैं और वहां बुझे हुए दीपक भी जल जाते हैं और उनके जीवन में, उनके घर में प्रकाश हो जाता है। इसलिए विनोद आचार्य तो यही कहता है कि करना ना लब कुशाई संतों के सामने, खामोश है खुदाई संतों के सामने, करना ना लब कुशाई संतों के सामने, खामोश है खुदाई संतों के सामने, वो देते हैं खजाने और ये लुटाते हैं खजाने। आ सकता वहां महाकाल का पहरा है और विश्वनाथ स्वयं विराजमान है। आओ तुम्हारा कल्याण करता हूं, आओ तुम्हारा उद्धार करता हूं, क्योंकि बसंत गुरुदेव का नाम एक कल्याण जी भी है। तो ऐसे कल्याण में गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हैं, क्योंकि गुरु आपके चरणों में जब से मुझे जगह मिली ये रूह तड़पने का मजा भूल गई और निष्पत हुई है मुझे बसंत गुरुदेव के नाम से, तो गर्दी से मेरे घर का पता भूल गई। तो आइए मैं गुरुदेव के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करके अपने जीवन को समय समय पर धन्य करने के लिए मुझे गुरु कृपा मिलती है। और आइए मैं गुरु चरणों में अभिवादन करता हूँ और आप सभी भी हाथ जोड़िए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कि हे गुरुदेव आप दया के सागर हैं, हे गुरुदेव आप करुणा के सागर हैं, आप
आपकी रहमत जब बरसती है, आपका जब आशीर्वाद रूपी जो है शब्द मुखारविंद से निकलता है, तो समय का सीला लेख बनता है। हम संसारी है, अज्ञानी है, त्रुटियां कर लेते हैं, नादानियां हो जाती है, लेकिन आपकी रहमत आपकी कृपा हम पर बनी रहे और आपका इसी तरीके से हमें आशीर्वाद मिलते रहे। और इसी के साथ में गुरुदेव के मुखारविंद से अमृतमय वाणी काशी विश्वनाथ की धरती बनारस के इस प्रांगण में सदगुरु भगवान राजसंत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ్రహ్మాయ సర్వజీవ విఘ్న నివారణ సమర్థనాయ శ్రీమచ్చింతామణి పార్శ్వనాథ దేవాది దేవాయ నమో త్వరం శ్రీం హ్రీం ఓం ఆప్ ఏవం ఆప్కా ప్యారా పరివార్ స్వస్థ సురక్షిత్ సుఖీ ఏవం సమృద్ధ రహే యహీ ప్రార్థనా కే సాథ్ आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। इस उत्सव के पंचम दिवस में इस संसार में संख्या नौ है, उस नौ को विभिन्न भाग से गुणा करो तो करोड़ों अंक बन सकते हैं, लेकिन एक से नौ तक संख्या और शून्य सबका पूरक है। इस नौ संख्या में पांचवी संख्या समभाव रखता है, इस तरफ चार अंक उस तरफ चार अंक, बीच में जो पांच नंबर का अंक है जो भगवान शंकर को अति प्रिय है। वैसे तो त्रयोदशी के दिन भगवान का प्रदोष आता है, वैसे तो अष्टमी को भगवती की साधना होती है, चतुर्थी को गणपति की पूजा होती है, लेकिन ये सभी देवता पंच संख्या से उपचार प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवती ललिताम्बा महाअन्नपूर्णेश्वरी के सहस्त्र नाम में एक नाम है पंच संख्या उपचार ये नमः है। जिस देवी को महादेव को पांच की संख्या में प्रदक्षिणा, पांच की संख्या में नैवेद्य, पांच की संख्या में पूजा करने से प्रसन्न होते हो, ऐसी देवी को मेरा प्रणाम, इस मंत्र का ये अर्थ है। स्वामी विवेकानंद से लेकर जितने महापुरुष साधु संत हुए अधिकतर वो पंचमी के दिन जन्म लिए होते हैं, या तो तारीख पांच होता है या तिथि पंचमी होती है। विशेष पुरुषों का जन्म पंचमी को होता है, ये उनकी विशेषता होती है।
या तो तारीख पांच या पंचमी, और भगवती पांच की संख्या से अति प्रसन्न होती है। पांच बार प्रदक्षिणा करो, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कष्ट हो रहा है, पैसा नहीं चुक रहा है, देवी को प्रार्थना करो। तो पांच बार प्रार्थना करो, जो भी पांच में करोगे तुरंत देवी की कृपा बरसते देखोगे, क्योंकि विधि नहीं, विधि का ज्ञान ही विधि को फलित करता है, विधि फलित नहीं करता। उस विधि के विवेक को अगर समझ लोगे कि क्या विधि है महाराज, तो जो महाराज ने बोला वो करना। आप सबको बोला है सफेद कपड़ा पहन के आना। वैसे तो गुरु महाराज विश्व कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन आप बोलो हम विश्व कल्याण, विश्व में शांति हो, विश्व कल्याण हो, भारत में शांति हो, भारत का कल्याण हो, गांव में शांति हो, गांव का कल्याण हो, गली में शांति हो, गली का कल्याण हो, घर में शांति हो, घर का कल्याण हो, मेरा शांति हो, मुझ में कल्याण हो, ये सब रोज यज्ञों में पूजा में युगों युगों से साधु बोलते आए हैं। तो क्या ऐसे बोलते ही राक्षस शांत हो गए? ऐसे बोलते ही भारत में विश्व में विश्व युद्ध बंद हो गए, शांति हो गई? कामना हमारी ये है कि भाई विश्व में शांति हो, गांव में गली में हर एक में शांति हो, लेकिन कामना से कुछ नहीं होगा। योग्यता आप में होगी तो ही प्राप्त होगा, योग्यता नहीं हो तो प्राप्त नहीं होगा। अयोग्य अशांति उत्पन्न करेगा ही, योग्य उसका दमन करेगा ही, पहले से ये चलता आया। भले आप शांति की हजार कोशिश करो, शांति कैसे होगी? अयोग्य में कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ कोई अयोग्य आ गया हो, कौन आ गया हो, अयोग्य उसको कैसे दे आशीर्वाद? इसलिए हम कहते हैं श्रद्धा से दूर से बाहर से कहीं आए हो तो उन योग्यों को एक संकल्प से आशीर्वाद दे दें। इसलिए सफेद कपड़ा पहनने बोलते हैं, जो सफेद कपड़ा एक दिन भी पहनना छोड़ा हो उनको इस कार्यक्रम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको ये खुलना पहले ही बता वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा संकल्प श्वेत वस्त्रधारी पुरुष और रक्त वस्त्रधारी स्त्री जो श्रद्धा से इधर आई उनको उस आशीर्वाद के लिए हाथ में जल लेके पूजा में संकल्प करके पूजा में बैठता हूँ, ये मेरा नियम है। वो पूजा का ही नियम वही है। और आप अपनी मनमानी डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो हॉस्पिटल जाना काफी नहीं है, सुई लगवाना पड़ेगा, गोली लेना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाने मात्र से ठीक हो जाओगे कि चिकित्सा से ठीक होंगे महाराज? चिकित्सा से ठीक होंगे। तो आप इधर हॉस्पिटल में आ गए, मनमानी करो, ट्रीटमेंट जो बोला गया है उस प्रकार से लो, तब फिर वहां जाके बोलना मत के महाराज के पास गया था मेरा काम नहीं हुआ। काम तब होगा जब महाराज ने जो बोला वो सुनोगे, सुन के कल्याण होगा, आपके कल्याण नहीं होगा। इसी प्रांगण में कुछ कुत्ते भी घूम रहे हैं, इस प्रांगण में अंदर घुस गए पहले से रहते चार पांच कुत्ते, आने से उनके कल्याण होंगे? हाँ, कल्याण तो स्वीकार करने से होगा भक्ति को। इसलिए जप में, यज्ञ में, पूजा में मन को मार के बैठो, मन को मार के बैठना पड़ेगा। मन कहेगा इसमें कितने लोग जप में थे मुझे पता नहीं, लेकिन आज जप में मैंने एक लेखा जोखा विधान बताया, कौन कौन जप में थे, जप में कौन बैठे थे, उनको एक लेखा जोखा विधान बताया कि 48 दिन में तकदीर बदले। वो सिर्फ उन्हीं को काम करेगा और किसी को, उन्हीं को काम करेगा 48 दिन में उनका तकदीर बदलेगा जो जप में बैठे, और दूसरे किसी को काम नहीं करे। भाई मैं बाद में उनसे पूछ लू, पूछ लेना, तेरी हाथ की बात नहीं है महाराज, सोचेंगे तो ही काम होगा, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। सत्य भले उल्टा कर दूंगा लेकिन सीधा तो करूंगा नहीं। तेरे में श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो उतना ही फल मिलेगा, जितना शक्कर डाला हो उतना ही मिठास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो एक इतना तिनका भर शक्कर डाले सोचे कि 500 किलो जलेबी में मिठास लाऊंगा, तो 500 किलो जलेबी के लिए तो रसोईया 200 किलो शक्कर की चाशनी बोलेगा। तो 100 ग्राम शक्कर से तू 500 किलो जलेबी को मीठा नहीं कर सकता। इसलिए तू सुबह जाप में बैठा है क्या देख लेना पहले, फिर कथा में आया क्या देख लेना, फिर यज्ञ में बैठा क्या देखना। ये तीन कर्म पूरे किए हो 8 दिन बाद नहीं 8 जन्म बाद भी सुख पाप आएंगे। तो एक भी काम छोड़ा हो तो वो तेरी मर्जी है, फिर तू जाने, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो आ गया इसलिए न्याल नहीं होगा। आने के बाद तेरी श्रद्धा का अगर 8 दिन में 1 दिन भी जब छोड़ा है तो भी अधूरा ही है तेरी साथ, तेरी साधना अधूरी है, तू ही अधूरा।
दिल को झोंक के ही भक्ति दी जाती है, दिल झोंका नहीं तो भक्ति नहीं हो। दिल को झोंक के अग्नि की भट्टी में तलते हैं तो सोना पकता है, तब जाके पिघल के गहना बनता है। अगर वो सोना बोलेंगे मुझे क्यों गर्म कर रहे हो, फिर तो भट्टी ही रह जाना। अगर से गहना बनना है, किसी के गले में छटना है तो तपना पड़ेगा, तपे जो गहना बने। फोकट में कोई गहना नहीं बने, तपे जो गहना बने। गहना कौन बने? तपे जो। आप कितना तप रहे हो ये मायना रखता है। चलो आज बड़ा अच्छा दिन, मैंने कहा पंचमी है। क्या है पंचमी? तिथि वार के संयोग से पंचमी बुध का स्थान रखता है। ये तिथि बुध का एक विशेष आधिक्यता रखता है, लेकिन वार रविवार है तो इसमें तिथि वार के संयोग से बुधादित्य योग आज प्रकट होता है। और बुधादित्य योग राजयोग का कारक है। इसका कारक है बुधादित्य योग आता है तो राजयोग आता है। इस दिन में किए हुए साधना व्यक्ति को या तो राजाओं का संपर्क करा देता है या राजा बना देता है। ऐसा महायोग प्रकट हो रहा है। और आप सबके शुभ मंगल के लिए मैंने एक विशेष चीज सोची है। क्या सोची है? विशेष चीज है। क्या है? तुरंत हंसे। अच्छा विशेष चीज मुझे चाहिए, वो बताऊंगा। मैं इस पंडाल में जितने लोगों के शरीर में रोग है, पेट दुखे, सिर दुखे, हालत खराब, पेट नहीं खाते, इनके लिए कर्ज जो है, कर्ज कर्ज वाले कौन कौन? ए भाई पंडाली कर्जदार, सबसे पहले तुम मेरे कर्जदार हो, ध्यान रखो। सत्य वचन मेरे बने। हाँ पैसे के कर्ज तो तुमने कितने कर लिए वो राम जाने, लेकिन संतों का कर्ज चुकाओ पहले। पूरे सच्चे में कर्जदार हो क्या? ऐसे हाथ उठा रहे हो कर्जदार भी, रोगदार भी, फिर भी तुम कर्जदार हो, इतने दुखी में बोलते हो। श्रद्धा से यज्ञ में कितने लोग बैठते हो? पूरे तो नहीं बैठते, वहां जगह ही नहीं इतना के बैठ सके। इसमें आधे झूठे, आधे तो झूठे हैं। जो सच्ची में बैठे आज तक पूरा चार दिन से, वो आ तो सच्ची में बैठे। हाँ देखो आधे दुष्ट कैसे हैं। तुम सब खाली हाथ जाओगे, ध्यान रखना, ईश्वर के दरबार में आपकी भक्ति को ही शक्ति मिलेगी। नाटक को शक्ति नहीं मिलेगी, हाव भाव को नहीं, भक्ति भाव को ही शक्ति मिलेगी। तुम ढोंग करो, मैं घड़ी घड़ी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया। आपसे वो बोलता 2,000-5,000 कुछ नहीं लिया है, 1,000 रुपया लिया, उसका 1,000 रुपये का यंत्र 1,000 दे के भेज रहे हैं, कुछ नहीं लिया। 1,000 रुपया यंत्र का लिया, एक पैसा भी मैंने कुछ नहीं लिया। हाँ तू कुछ समझे नहीं, कुछ बोल दे तो ये सिर पर चढ़ते नाचे फिर। हाँ ये धर्म मार्ग में रहे, अनुष्ठान श्रद्धावान बने और मन चाही वरदान ले जाए, उसके बगैर वो संभव नहीं। इतनी बार डांटने का कारण क्या है? माँ डांटती है खा ले रे डांटती है, क्यों? बेटे का पेट भरेगा तो आरोग्यमय रहेगा, भूखा रहेगा तो शरीर बिगड़ेगा। माँ डांटती किस लिए? मरण आरोग्य, देखो मेरे क्या भूखा या मरता, मेरा क्या पड़ा था? मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, तेरे आने से कोई भला होने वाला है? तुम में किसी का नाम तक आज तक पूछा हूँ कोई बता दे, ताकत है तो किसी का नाम तक पूछता हूँ क्या मैं? 25 साल में किसी का नाम पूछा हूँ, किसी का फोन नंबर लिया हो, किसी से एक मिनट बात किया हूँ? माइका लाल का बाप मंत्री क्यों हो? मैं कोई बात किया कोई बताए नहीं, बोले बताओ किसी से बात करता हूँ कि किसी को पूछता हूँ